कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी अक्षय नवमी के लाती है यू सारे कार्तिक मास में स्नान का महात्म्य है परंतु नवमी को स्नान करने से अक्षय पुण्य होता है ऐसा हिंदुओं का विश्वास है इस दिन अनेक लोग व्रत भी करते हैं और कथा वक्ता में दिन बिताते हैं द्वापर तो युग का प्रारंभ अक्षय नवमी से माना जाता है इस तिथि को युगादि तिथि भी कहा जाता है इसी दिन श्री हरि विष्णु ने कुशमांडक दैत्य को मारा था आंवला वृक्ष का पूजन भक्ति भाव के साथ करना चाहिए पुराणों में कहा गया है कि जिस इच्छा के साथ पूजन किया जाता है वह इच्छा पूर्ण होती है इसलिए इस नवमी को इच्छा नवमी भी कहते हैं अक्षय नवमी के दिन आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर खाने का विशेष महत्व है यदि आंवला वृक्ष के नीचे भोजन बनाने में असुविधा हो तो घर में भोजन बनाकर आंवला के वृक्ष के नीचे जाकर पूजन करने के बाद भोजन करना चाहिए भोजन में सुविधा अनुसार खीर पूरी या मिठाई हो सकती है अब दोस्तों मैं आपको आंवला नवमी की कथा आंवल्या राजा की विशेष कथा सुनाती हूँ अब ये सुनिए आप ध्यान से सब लोग आंवला नवमी की कहानी व्रत के समय कही और सुनी जाती है यहाँ कथा बहुत ही ध्यान से सुननी चाहिए आंवला नवमी की ये विशेष कथा एक राजा था उसका प्रण था वो रोज सवा मन आंवले दान करके ही खाना खाता था इससे उसका नाम आवल्या राजा पड़ गया एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए बेटे की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर बियावान जंगल में जाकर बैठ गए राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं जब भूखे प्यासे सात दिन हो गए तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इस इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल राज और बाग बागीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज में भी दुग् उनके राज से भी दुगना राज बसा हुआ है राजा रानी से कहने लगे रानी देख कहते हैं सत मत छोड़े सुरमा सत छुड़ाया पत जाए सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें राजा रानी ने आंवला दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे उधर आंवला देवता का अपमान करने वो माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहु बेटे के बुरे दिन आ गए राज्य दुश्मनों ने छीन लिया उनका दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज में आ पहुंचे उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचान पहचाने ही काम पर रख लिया बहु बेटे सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना एक दिन बहू ने सास के बाल गूदते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा उसे ये सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो मेरी सास की भी था हमने ये सोचकर उन्हें आवरा दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा आज वो लोग न जाने कहाँ होंगे ये सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टप टप करके सास की पीठ पर गिरने लगे रानी ने पलट कर देखा और बोला कि तू तो क्यों रो रही है उसने बताया आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था इसलिए वे घर छोड़कर चाहिए चले गए तब रानी ने उन्हें पहचान लिया सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया अपने बहु बेटे को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है बहु बेटे भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे हे भगवान जिस तरह से आपने राजा रानी की सत रखा वैसा सबका सत रखना कहते सुनते सारे परिवार का सुख रखना अब दोस्तों मैं एक और आपको आंवला नवमी की कथा सुना रही हूँ तो काशी नगरी में बहुत धर्मात्मा दानी तथा संतान एक वणिक था वो पति पत्नी दोनों संतान के अभाव में दिनों दिन का तार तथा मलिन होते जाते थे कुछ समय पश्चात वैश्य की पत्नी से एक स्त्री ने कहा कि यदि तुम किसी पराये लड़के की बलि भैरव के नाम के नाम कर दो तो पुत्र कामना अवश्य आपकी पूरी हो जाएगी ये बात वैश्य के पास पहुंची मगर उसने स्वीकार कर लिया लेकिन सखी की बात वैश्य की पत्नी भूली नहीं मौके की तलाश करती रही एक दिन एक लड़की को भैरव देवता के नाम पर कुएं पर गिरा बलि दे दी गई इस हत्या का परिणाम बड़ा उल्टा हुआ लाभ की जगह उसके सारे बदन में कोड पहने लगा तथा लड़की की प्रेतात्मा उसे सताने लगी ऐसी परेशानी देखकर वैश्य ने इसका कारण अपनी पत्नी से पूछा तब उसने सारी कहानी शुरू से आखिरी तक कह सुनाई ऐसा जानकर वैश्य ने हत्यारी पापी नादी शब्दों से उसे काफी ममहार्थ किया तथा बताया कि गोवध ब्राह्मण वाल वध करने वाले के लिए संसार में कोई ठिकाना नहीं है इसलिए तू गंगा तट पर जाकर स्नान वंदन कर तभी तू इस कष्ट से छुटकारा पा सकती है वैश्य की पत्नी ने ऐसा ही किया गंगा किनारे रहने लगी थोड़े दिन बीते कि एक दिन गंगा जी वृद्धा स्त्री का रूप बनाकर आई और कहने लगी हे दुखिया तू मथुरा नगरी में जाकर कार्तिक नवमी का व्रत करना तथा आवलक वृक्ष की परिक्रमा करते हुए पूजन करना यह व्रत तुमसे कर, तुम्हारे करने से तुम्हारा सब पाप नष्ट हो जाएगा घर आकर अपने पति से उसने सब बातें बताई और आज्ञा लेकर मथुरा जाकर विधिवत व्रत रखकर पूजन किया ऐसा करने से भगवान की कृपा से दिव्य शरीर वाली हो गई और पुत्र लाभ कर जन्म में गोलोक को प्रस्थान किया मैं आपको आंवला नौमी की पूजा विधि बता देती हूँ दोस्तों किस तरह से हमें करनी चाहिए कि सुबह स्नान करके शुद्ध आत्मा से आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्व की ओर मुख करके षोशार पूजन करना चाहिए फिर उसकी जड़ में दूध की धारा गिराकर चारों ओर कच्चा सूत लपेटे तथा कपूर वर्तिका से आरती करते समय सात बार परिक्रमा करें। आंवला वृक्ष के नीचे ब्राह्मण भोजन तथा दान देने का विशेष महत्व आंवला नवमी जो हम का पूजन करते हैं तो हमें क्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि सवेरे जल्दी उठना चाहिए आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद वृक्ष की छाव में ही बैठकर बैठकर भोजन को हमें खाना चाहिए कई स्थानों पर इस तरह के घने वृक्षों के के स्थानों को पिकनिक के लिए भी चुना जाता है परिवार अथवा बस्ती के कई सारे लोग मिलकर पूरा दिन वहाँ व्यतीत वे, वे, करते हैं आंवला नवमी का व्रत तभी दोस्तों पूर्ण माना जाता है जब आंवले के पेड़ की पूजा कर उसी स्थान पर भोजन किया जाए इस दिन पूजा के बाद वृक्ष की परिक्रमा की भी विधान है आंवला की जो पूजा करते हैं कि उसकी जो थाली होती है उसमें दोस्तों हमें क्या क्या रखना चाहिए तो आंवले का पौधा तो सबसे पहले अगर आपके पास बड़ा आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे बड़ा आंवले का पौधा नहीं हो तो मंदिर में कर लीजिए जहाँ आंवले का पेड़ आने था आप आंवले के पौधे को एक गमले में लगा कर या पौधा पत्ते एवं फल तीनों को लग, रख सकते हैं तुलसी के पत्ते एवं पौधा कलश एवं जल कुमकुम -कुम, हल्दी सिंदूर अबीर गुलाल चावल नारियल सूत का धागा दूध दीप, श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, दान के लिए अनाज इत्यादि सामग्री काम में ली जाती है। इस दिन आंवले के पेड़ को दूध चढ़ाना और गरीबों को दान करना विशे, का विशेष महत्व है नवमी हर साल भारतीय कैलेंडर के अनुसार दोस्तों अब मैं बता रही कि कब है तो कार्तिक मास की शुक्ल नवमी तिथि के दिन दिवाली के नवे दिन मनाई जाती है जो कि आज है वर्ष 2022 में आंवला नवमी का व्रत 2 नवंबर बुधवार को मनाया जाएगा और इसका जो पूजा समय वो टाइम है वो छह बज के पूर्वाहा से बारह बज के चार अपराह तक पाँच घंटे की अवधि तक रहेगा इस अवधि में पूजा सम्पन्न कर करवाना श्रेष्ठकर माना जाता है अब मैं आपको आंवला नवमी के बहुत ही सरल उपाय बता रही हूँ जिसको करके आप बहुत ही सुख शांति धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं तो इसमें सबसे पहला उपाय तो दोस्तों गरीबों को आपको द, भोजन दान करना चाहिए आ, कराने से बड़ा पुण्य और कोई नहीं है इस दिन आंवले के वृक्ष की छाव में किसी भी गरीब को बिठाकर भरपेट भोजन कराएं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद पाएं एक उपाय करने वालों के घर में कभी अन्य धन की कमी नहीं रहती है आप क्या करें दूसरा उपाय यह है कि हरे कपड़े में कुछ आंवले के बीज रख रहे हैं और इसको बांधकर अपने पास रखने से आर्थिक लाभ तो होता ही है आप इस पोटली को या तिजोरी में भी रख सकते हैं और धन रखने के स्थान पर भी रख सकते हैं अगर कोई व्यापारी है तो उन बीजों की पोटली को अपने गले में रख सकता है ऐसा करने से आपको कभी व्यापार में नुकसान नहीं होगा आंवला नवमी के दिन आपको क्या करना चाहिए कि एक आंवले के जो होता है पत्ते पर हल्दी का स्वास्तिक बनाया करना चाहिए और उसको वंदनवार जो दरवाजे के ऊपर घर के द्वार पर टांग दें इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और घर में जो लड़ाई झगड़ा और आदि की समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है दोस्तों आपको क्या करना है कि आंवले के पेड़ के नीचे जिसे कि हम धात्री वृक्ष भी कहते हैं बैठ जाए और पूर्व की ओर ओम करके ओम धात्रे नमः मंत्र से आंवले के वृक्ष पर दूध की धार वृक्ष की जो जड़ है दोस्तों उसमें दूध की धारा गिर, गिराते हुए पितरों का तर्पण करें कपूर व घी का दीपक से आरती करके प्रदिक्षि करें आंवला वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करें आंवले के वृक्ष के नीचे विद्वान ब्राह्मण का भो को भोजन कराए तथा दक्षिणा भेंट करें खुद भी उसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करें इस दिन आंवले का वृक्ष चौथा घर में लगाने से वास्तु की दृष्टि से ये बहुत ही शुभ माना जाता है जिन बच्चों की स्मरण शक्ति कमजोर हो तो उनके लिए मैं एक छोटा सा उपाय बताती हूँ और जिनका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है उनको अपनी पुस्तकों के पन्नों के बीच में आंवले व इमली की हरी पत्ती रखनी चाहिए इस दिन कुष्मांडा नवमी के ना आ, के नाम से भी जाना जाता है और कुष्मांडा माता का भी इस दिन ध्यान करना चाहिए इस दिन जो हमारे पितर होते हैं उनको ठंड निवारण के लिए वस्त्र कंबल आदि का गरीबों को दान करना चाहिए आंवले नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि एक बार माँ लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी लोक पर आई रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु और शिव की की पूजा एक साथ करने इच्छा हुई माता लक्ष्मी ने विचार किया कि एक साथ विष्णु एवं शिव की पूजा कैसे हो सकती है तुलसी भगवान विष्णु की प्रिया होती है और बेलपत्र भगवान शिव को माँ लक्ष्मी को ख्याल आया कि तुलसी और बेल का गुण एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाया जाता है ऐसे में आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक चिन्ह मानकर मां लक्ष्मी ने अब आंवले की वृक्ष की पूजा की कहा जाता है कि पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु और शिव प्रकट हुए लक्ष्मी माता ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर विष्णु और भगवान शिव को भोजन कराया इसके बाद स्वयं भोजन किया जिस दिन माँ लक्ष्मी ने शिव और विष्णु की पूजा की थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी थी तभी से कार्तिक शुक्ल की नवमी तिथि को आंवला नवमी या अक्षय नवमी के रूप में मनाया जाने लगा दोस्तों तो मैं आपको बताती हूँ आंवला नवमी का महत्व क्या है तो जैसा कि हम जानते हैं कि आंवला वृक्ष के मूल में भगवान विष्णु ऊपर ब्रह्मा स्कंद में रुद्र शाखाओं में मुनिगर पत्तों में वसु फूलों में मरुद्रण और फलों में प्रजापति का वास होता है ऐसे में आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं साथ ही इनकी पूजा करने वाले व्यक्ति के जीवन में धन विवाह संतान दाम्पत्य जीवन से संबंधित समस्या खत्म हो जाती है मानव को प्रसन्न करने के लिए अक्षय नवमी का दिन सबसे उत्तम